नमस्ते, मैं हूं अंकिता पाटिल। AIM न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आजकल सोशल मीडिया पर कौन सा वीडियो कब सामने आ जाए आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते, चाहे वो राजनीति हो, मनोरंजन विश्व हो या कोई खेल का मैदान। तो आज वायरल हो रही वीडियो क्रिकेट से जुड़ी है। क्या है ये वायरल वीडियो का मामला, आइए देखते हैं। ये घटना है पाकिस्तान की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन एक घटना हुई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट के दौरान लाइव मैच में कमेंट्री कर रहे बाजिद खान ने न्यूजीलैंड की पूर्व खिलाड़ी का नाम लेने की बजाय पॉर्न स्टार का नाम लिया है। कॉमेंट्री कर रहे बाजिद खान क्रिकेटर डैनी मॉरिसन का नाम लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने गलती से पॉर्न स्टार डैनी डेनियल का नाम ले लिया। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। 1973 maybe with Pulfus or maybe Danny was Danny Morrison or Pulfus. New Zealand got their highest ever 10th wicket partnership. 1973 maybe with Pulfus or maybe Danny was Danny Morrison or Pulfus. New Zealand got their highest ever 10th wicket partnership. ये वीडियो वायरल होते ही कमेंट्री करने वाला बाजिद खान बहुत ही ज्यादा ट्रोल हो गया है। पर इसमें एक और बढ़िया चीज हुई है कि जिस पॉर्न स्टार का नाम गलती से बाजिद खान ने लिया था, वो डैनी डेनियल ने भी ये वीडियो शेयर किया। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कमेंट्री किए गए बाजिद खान को बहुत ही ज्यादा ट्रोल कर दिया गया है। 1973. Maybe with Pulfus or maybe Danny was Danny Morrison or Pulfus. New Zealand got their highest ever 10th wicket partnership. 1973. Maybe with Pulfus or maybe Danny was Danny Morrison or Pulfus. New Zealand got their highest ever 10th wicket partnership. Maybe with Pulfus or maybe Danny was Danny Morrison or Pulfus. New Zealand got their highest ever 10th wicket partnership. 1973. Maybe with Pulfus or maybe Danny was Danny Morrison or Pulfus. New Zealand got their highest ever 10th wicket partnership.